दोस्तों आज मैं द डे द अर्थ स्टूड स्टिल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हमें 1928 का टाइम दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इंडिया में काराकोरम माउंटेन्स पर एक आदमी अपना कैंप लगाए हुए है। वहाँ पर तेज बर्फीला तूफान भी चल रहा था। तभी वो आदमी बाहर आकर देखता है कि ऊपर पहाड़ पर कोई चीज चमक रही है। फिर वो आदमी उसे देखने के लिए ऊपर चला जाता है। वो आदमी देखता है कि वो रोशनी एक बड़ी सी आइस बॉल से आ रही थी। जैसे ही वो आदमी उसे टच करता है अचानक से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर एक अजीब तरीके का निशान बन गया है। आगे हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। एक कॉलेज में हेलन नाम की एक टीचर है और वो एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है। क्लास खत्म होने के बाद हेलन अपने घर जाती है जहाँ उसका बेटा जेकब अपने रूम में गेम खेल रहा होता है। हेलन अपने बेटे को बहुत ख्याल रखती है। अचानक हेलन के फोन पर किसी की कॉल आती है। कॉल पर बताया जाता है कि अभी तुम्हारे घर पर कोई आ रहा है। हेलन कॉल पर पूछती है कि कौन आ रहे हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है। जब हेलन दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ एजेंट होते हैं और वो हेलन को अपने साथ चलने को कहते हैं। हेलन के बार बार पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताते कि उसे क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं। हेलन अपने बेटे जेकब को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो जेकब को अपनी एक फ्रेंड के साथ छोड़ देती है। अब वो एजेंट हेलन को लेकर एक प्लेन में आ जाते हैं जहां और भी कई लोगों को उसकी ही तरह उनके घर से उठाया गया था। इसके बाद प्लेन उन्हें न्यू जर्सी में एक मिलिट्री कैंप में ले जाता है। वहां आकर हेलन अपने फ्रेंड माइकल से मिलती है। हेलन का नाम लिस्ट में उसी ने डाला था। माइकल नासा के लिए काम करता है। माइकल हेलन को एक मीटिंग में ले आता है। माइकल मीटिंग में बताता है कि जुपिटर प्लेनेट के पास एक ऑब्जेक्ट देखा गया है, यानी एक अजीब तारा। माइकल आगे बताता है कि वो तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है और उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा है। अगर ये अर्थ के किसी हिस्से से टकरा गया तो वो हिस्सा तबाह हो सकता है। माइकल आगे बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होने की वजह से हम इसे मिसाइल से भी खत्म नहीं कर सकते और ये अनुमान के मुताबिक मैनहट्टन शहर में गिरेगा। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी साइंटिस्ट शॉक हो जाते हैं। माइकल बताता है कि उस ऑब्जेक्ट को टकराने में सिर्फ 78 मिनट बचे हैं। अगले सीन में हेलन अपने बेटे जेकब से फोन पर बात करती है। हेलन उससे कहते कि आज एक बड़ा तूफान आने वाला है, इसके लिए तुम्हें नीचे बेसमेंट में छिपना होगा। हेलन अपने बेटे से बात करती हुई रोने लगती है। इसके बाद सभी साइंटिस्ट को एक प्लेन में लेकर उसी ऑब्जेक्ट के टकराने की जगह पर ले जाया जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपने टाइम पर नहीं टकराता। वो देखते हैं कि उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट नीचे उतरता है सभी साइंटिस्ट उसकी तरफ जाने लगते हैं। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा की मूवी के शुरू में दिखाया गया था, लेकिन साइज में उससे बहुत बड़ा। दरअसल ये एक स्पेसशिप था। खैर, यहाँ का मुआयना करने के लिए मिलिट्री यहाँ पहुँच जाती है। अब हेलन अपनी टीम के साथ उस स्पेसशिप के करीब जाने लगती है। तभी उस शिप में से एक एलियन बाहर निकलता है। तभी आर्मी जल्दबाजी में एलियन पर शूट कर देती है। हेलन उसे गिरते हुए पकड़ लेती है और हेल्प मांगने लगती है। वो एलियन जख्मी हो जाता है। तभी उस शिप में से एक बहुत बड़ा रोबोट बाहर निकलता है और अपनी पावर्स से वहाँ के सारी लाइट्स और सारी कम्युनिकेशन को बंद कर देता है। इसी के साथ रोबोट एक अजीब सी आवाज निकालता है जिसे सुनना इंसानों के बस में नहीं था। इससे वहाँ पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। वो रोबोट हेलन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एलियन रोबोट को उस पर अटैक करने से मना कर देता है और एलियन के कहने पर वो रोबोट रुक जाता है। इसके बाद आर्मी उस एलियन को लेकर उसका इलाज कराने लगती है। उसके अंदर से गोली को निकाल लिया जाता है। साथ ही डॉक्टर बताता है कि ऊपर की स्किन उतर रही है। माइकल के कहने पर डॉक्टर उसकी स्किन को उतार देते हैं। डॉक्टर बताता है कि इसका शरीर अंदर से इंसानों की तरह है। साथ ही डॉक्टर उस एलियन का सैंपल टेस्ट के लिए भी ले लेता है। जब हेलन उसके पास जाती है तो वो एलियन होश में आ जाता है और उस मशीन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। अब माइकल हेलन को एलियन से बात करने को कहता है। फिर हेलन एलियन को अपना नाम बताती है और कहती है कि तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। एलियन भी उससे बात करता है और हेलन की कही हुई बात को रिपीट करने लगता है। दूसरी तरफ मैनहट्टन में एक एलियन देखे जाने पर वहाँ के सभी लोग उस शहर को छोड़कर वहाँ से जाने लगे हैं। अमेरिका की डिफेंस चीफ एक लेडी जिनका नाम रेजिना होता है, वो ही इस सब की जानकारी रख रही थी। एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि उनकी एक सैटेलाइट का कनेक्शन उनसे टूट गया है। इसके बाद रेजिना रोबोट से मिलने जाती है। यहाँ एलियन की रिपोर्ट भी आ जाती है। टेस्ट से पता चलता है कि एलियन कुछ सालों पहले अर्थ पर आए थे और उन्होंने इंसानों का डीएनए ले लिया, इससे वो अर्थ पर सरवाइव कर पाए। और ये वही शुरुआत का सीन होता है जिसमें एलियन एक इंसान का डीएनए ले गए थे। अब पता चलता है कि इस एलियन का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और एलियन बिल्कुल इंसानों जैसा दिख रहा है। वो एलियन इंसानों की तरह बोलने भी लगा था। वो एलियन अपना नाम कलाटू बताता है।
रेजिना उस एलियन से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। वो एलियन अपने मकसद के बारे में कुछ नहीं बताता। रेजिना उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन माइकल ऐसा करने से मना कर देता है। हेलन कहती है कि वो उसे तुम्हारे साथ ले जाने देगी। फिर हेलन क्लाटू को कुछ इंजेक्ट कर देती है और चुपके से उसे वहाँ से जाने को कह देती है। फिर रेजिना के कहने पर एक डॉक्टर क्लाटू से सवाल करने लगता है, लेकिन क्लाटू उसे जवाब नहीं देता और उसकी मशीन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्लाटू उस डॉक्टर को अपने कंट्रोल में करके वहाँ से बाहर जाने के बारे में पूछ लेता है और उसके कपड़े भी ले लेता है। क्लाटू वहाँ पर गार्ड्स को रोकने के लिए वैसी ही आवाज निकालता है जैसे कि उस रोबोट ने निकाली थी। इससे वहाँ के गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। अब क्लाटू वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। हेलन भी वहाँ से निकलकर अपने बेटे के पास आ जाती है। क्लाटू एक स्टेशन पर आकर बेहोश हो जाता है और हेलन को कॉल करवाता है। इसके बाद वो उसे अपने पास बुला लेता है क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त उसकी मदद केवल हेलन ही कर सकती है। हेलन उससे मिलने जाती है जहाँ क्लाटू उसे बताता है कि वो अर्थ को बचाने आया है। फिर हेलन अपने बेटे और क्लाटू के साथ कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। क्लाटू यहाँ पर एक जेल से अपने घाव को ठीक कर लेता है और ये वही जेल होता है जो उसकी बॉडी से निकाला गया था। इधर आर्मी क्लाटू के रोबोट को तबाह करने की कोशिश करती है और अपने प्लेन्स से उस पर मिसाइल से अटैक करने लगती है, लेकिन वो रोबोट उनके प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर जब हेलन और क्लाटू कार में अकेले होते हैं तो पता चलता है कि हेलन जेकब की सौतेली माँ है और जेकब के डैड की मौत एक साल पहले ही हो चुकी है। अब जेकब का ख्याल हेलन ही रखती है। अब क्लाटू उन्हें एक फूड शॉप पर रुकने को कहता है। तभी उससे मिलने एक इंसानी एलियन आता है जो दरअसल काफी टाइम से इंसानों के बीच ही रह रहा था। वो एलियन उसे बताता है कि इंसान अर्थ को धीरे धीरे तबाह कर रहे हैं और बहुत खतरनाक हथियार बना रहे हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि इंसानों में रहकर वो दूसरों से प्यार करना सीख गया है। क्लाटू उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इस पर वो एलियन वहाँ से जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में काफी लोगों से घुल मिल गया था। इसके बाद क्लाटू हेलन को एक जगह पर ले जाता है और अकेले ही आगे जाने लगता है। वो पानी के अंदर से वैसे ही सिप को बाहर निकालता है जैसी उसकी थी। जैसे ही क्लाटू उसे टच करता है, पूरी दुनिया में जितनी भी सिप होती है वो सब अर्थ से बाहर स्पेस में जाने लगती है। यानी क्लाटू ने उन सभी स्पेस सिप को वापस भेज दिया था। उन सिप में अर्थ के हर जीव का अंश यानी डीएनए होता है। उसे ऐसा करते हुए हेलन और जेकब देख लेते हैं। क्लाटू के वापस आने पर हेलन उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। क्लाटू बताता है कि वो अर्थ को बचाने आया है, वो भी इंसानों से, क्योंकि इंसान ही अर्थ को तबाह कर रहे हैं। क्लाटू आगे बताता है कि यूनिवर्स में ऐसे कुछ ही प्लेनेट हैं जहाँ पर जीवन है और हम इंसानों को इसे खत्म करते हुए नहीं देख सकते। अब हेलन उसे इंसानों को एक मौका देने को कहती है। इस पर क्लाटू कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उस एरिया की पुलिस आ जाती है। पुलिस ऑफिसर क्लाटू को पहचान लेता है और उससे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन जैसे ही क्लाटू अपने हाथ गाड़ी पर रखता है वो गाड़ी उस पुलिस ऑफिसर को हिट कर देती है। इससे वहीं पर पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। ये देखकर जेकब क्लाटू पर गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। फिर क्लाटू अपना वही जेल निकालकर उस ऑफिसर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर वापस से जिंदा हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर क्लाटू हेलन से कहता है कि मैंने इंसानों के लीडर से मिलने को कहा था, लेकिन मुझे उनसे नहीं मिलाया गया। इसके बाद हेलन उसे लेकर बायोलॉजी के एक प्रोफेसर के घर ले आती है, जिनको एक नॉवेल भी मिल चुका था। वहाँ बोर्ड पर एक ऐसी प्रॉब्लम लिखी थी जो प्रोफेसर से भी सॉल्व नहीं होती, लेकिन क्लाटू उसे सॉल्व कर देता है। प्रोफेसर उसे ऐसा करते देख समझ जाते कि ये एलियन है। इधर जेकब क्लाटू को पसंद नहीं करता था। अब जब जेकब न्यूज में देखता है कि उस एलियन की खोज की जा रही है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि एलियन उनके साथ है। अब क्लाटू यहाँ बताता है कि इंसान अभी सुधर नहीं रहे हैं और अपना प्लेनेट तबाह कर रहे हैं। साथ ही क्लाटू बताता है कि जब उनका प्लेनेट खतरे में था तब वो सब इकट्ठा हुए और अपने प्लेनेट को बचा लिया। अब प्रोफेसर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि अभी इंसानों को ऐसी सिचुएशन नहीं मिली है और उन्हें अभी नहीं लगा है कि उनका प्लेनेट खतरे में है। अगर वो भी इकट्ठा हुए तो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। प्रोफेसर की बातों का असर क्लाटू पर पड़ने लगता है। अब जेकब के इन्फॉर्म किए जाने पर वहाँ आर्मी आ जाती है। आर्मी को देखकर क्लाटू वहाँ से जाने लगता है। अब प्रोफेसर हेलन से कहता है कि तुम्हें एलियन की सोच को बदलना होगा। अब इसके बाद हेलन अपने बेटे के पास जाती है जहाँ उसका बेटा बताता है कि उसने ही आर्मी को यहाँ बुलाया है। तभी एक सोल्जर हेलन को अपने साथ पकड़कर हेलीकॉप्टर में ले जाता है। तभी वहाँ क्लाटू आ जाता है और वहाँ के दो हेलीकॉप्टर्स को आपस में हिट कर देता है। इससे वहाँ के दोनों हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन हेलन को एक हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। अब क्लाटू को ऐसा करते हुए जेकब देख लेता है और क्लाटू से डरकर वहाँ से भागने लगता है। अब भागते भागते जेकब एक टूटे हुए पुल पर आ जाता है और उस पुल से गिरने ही वाला होता है। तभी क्लाटू वहाँ आकर उसे पुल से नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद जेकब क्लाटू से उसे घर ले जाने को कहता है। इधर आर्मी हेलन को रेजिना के पास ले जाती है। हेलन रेजिना से क्लाटू से बात करने को कहती है और ये भी बताती है कि वही हमें बचा सकता है।
लेकिन रेजीना उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इधर आर्मी उस रोबोट को अपनी एक लैब में ले आती है और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते करते वो रोबोट छोटे छोटे इंसेक्ट में बदलने लगता है। आर्मी उसे ब्लास्ट करने की भी कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। वो इंसेक्ट वहाँ की लैब को तबाह कर देते हैं और वहाँ पर मौजूद आर्मी टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो इंसेक्ट अलग अलग तरफ जाने लगते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भी तबाह कर देती हैं। इस बात की खबर सुनकर रेजिना हेलेन को वहाँ से जाने देती है ताकि वो क्लाटू को मना सके। हेलेन के साथ माइकल भी जाने का डिसाइड करता है। इधर जेकब एक जगह आकर कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वायर खराब होने की वजह से कॉल नहीं लगती। फिर क्लाटू अपनी पावर से उसे ठीक कर देता है। इसके बाद जेकब अपनी मॉम को कॉल करता है और एक जगह मिलने का डिसाइड करता है। क्लाटू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके जेकब उससे घुल मिल गया था और उसे पसंद भी करने लगा था। इसके बाद जेकब क्लाटू के साथ अपने डैड की कब्र पर आ जाता है और उससे अपने डैड को जिंदा करने को कहता है क्योंकि उसने देखा था कि कैसे उसने उस पुलिस ऑफिसर को ठीक किया था। लेकिन क्लाटू ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे डैड को जिंदा करना मेरे हाथ में नहीं है। फिर जेकब अपने डैड को याद करके रोने लगता है। तभी वहाँ हेलेन भी आ जाती है। हेलेन जेकब को चुप कराती और कहती कि वो भी उसके डैड को याद करती है। क्लाटू ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। यहाँ हेलेन उसे कहती कि इंसानों को एक और मौका मिलना चाहिए। तभी वहाँ वही इंसेक्ट आ जाते हैं। क्लाटू कहता है कि मैं इन्हें रोक तो सकता हूँ लेकिन इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद क्लाटू उसे सेंट्रल पार्क ले जाने को कहता है जहाँ उसकी सिप है। अब ये लोग रास्ते में जा ही रहे होते तभी देखते कि इनका पीछा आर्मी कर रही है। अचानक आर्मी उनका पीछा करना बंद कर देती है। जब ये लोग उस सिप के पास पहुँच जाते हैं तो वो देखते कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी आर्मी उन पर हमला कर देती है। इस अटैक में माइकल बहुत जख्मी हो जाता है। क्लाटू दोनों को तो कार से बाहर निकाल लेता है लेकिन तभी उस सिप के पास बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट आ जाते हैं। इंसेक्ट से बचते हुए ये एक टनल से जाने लगते हैं लेकिन रास्ते में जाते वक्त जेकब की नाक से खून निकलने लगता है और अचानक वो बेहोश हो जाता है। हेलेन की भी नाक से खून निकल रहा होता है यानी उन इंसेक्ट ने इन पर भी अटैक कर दिया था। हेलेन क्लाटू से अपने बेटे को बचाने को कहती है। फिर क्लाटू उन दोनों का हाथ पकड़ कर अपनी पावर से उनके अंदर से इंसेक्ट को निकाल देता है जिसके बाद वो दोनों ठीक होने लगते हैं। इसके बाद क्लाटू उन दोनों को बाय कहता वो अपनी सिप की तरफ चला जाता है। जैसे ही क्लाटू अपनी सिप को टच करता है पूरी दुनिया से वो इंसेक्ट मर जाते हैं। इससे इंसान अब जिंदा रह सकते थे जैसा कि क्लाटू ने कहा था कि इसकी कीमत इंसानों को देनी होगी। वो ये थी कि पूरी दुनिया की सारी मशीन बिजली इंटरनेट और यहाँ तक की घड़ियां भी बंद हो जाती है यानी इंसान जितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े थे वो सब खत्म हो जाता है। अब आखिर में हेलेन और जेकब उस सिप के पास आते हैं और वो स्पेस सिप ऊपर आसमान में चली जाती है यानी एलियन अर्थ से दूर चले जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।